करेगा और नजदीक आइए ना आवाज। मैं प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति, सफाली युवा क्लब के संस्थापक अध्यक्ष और तेज नारायण बनेली महाविद्यालय के पूर्ववर्ती जंतु विज्ञान के छात्र की हैसियत से अपने गुरु प्रोफेसर मदन मोहन लाल जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं और उनके जो दोनों पुत्री हैं बनमाला और जयमाला, सौभाग्य से मेरी छात्रा भी रही हैं, मैं उनके इस दुख की घड़ी में उनके साथ हूं। संयोग से प्रोफेसर मदन मोहन लाल सफाली युवा क्लब के संरक्षक भी थे और तमाम सामाजिक गतिविधियों में उनका सहयोग प्राप्त होता था। उनके निधन से प्राणी विज्ञान जगत को तो एक अपूर्णीय क्षति हुई है, साथ ही साथ मुझे व्यक्तिगत क्षति भी हुई है। उनके आशीर्वाद से मैं आज जिस मकाम पर हूँ ये उन्हीं आशीर्वादों का फल है। मैं उन्हें नमन करता हूँ और उन्हें इस मायने में भी याद करता हूँ कि आज जब लोग बेटा के लिए इतने उतावले रहते हैं कि इतने बेटियों की बलि चढ़ा देते हैं, और उस दौर में आज से 40-45 साल पहले दो बेटी लगातार पैदा होने के बाद उन्होंने परिवार नियोजन का रास्ता अपनाया और उन्हीं दोनों बेटियों को से अपने परिवार को भलीभूति आगे बढ़ाया, भलीभांति आगे बढ़ाया, ये सोच आज के तमाम नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं उन्हें नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में, और उनकी जो माता जी हैं, अब जो मेरी माता जी हैं, अब उनकी जो विधवा हैं, अब उनको भी शक्ति दे ताकि वो आगे की ज़िंदगी को अच्छे ढंग से वो जी सकें। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ प्रोफेसर मदन मोहन लाल जी, जिनका आज 16 तारीख को प्रातः भागलपुर में सराय मोहल्ला स्थित उनके निवास पर उनका निधन हुआ, मैं इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और उन्हें दोबारा नमन करता हूँ।